क्या वाकई में नासा ने कभी चांद पर इंसानों को नहीं भेजा था? क्या ऐसा हो सकता है कि चांद के जिन क्लिप्स को हमें दिखाया गया था वो असल में धरती में ही रिकॉर्ड किया गया था? July 21, 1969 हम इंसानी सभ्यता का एक सबसे ऐतिहासिक दिन था। इस दिन मानव सभ्यता ने इतिहास में पहली बार इस धरती से निकलकर चांद के सतह पर अपना कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग तथा बज एल्ड्रिन यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा, और इनके साथ ही एक और एस्ट्रोनॉट भी थे, माइकल कॉलिंस, जो अपोलो 11 के ऑर्बिटर में बैठे थे और चांद का चक्कर लगा रहे थे। ये स्पेस मिशन नासा के द्वारा कराया गया था और ये स्पेस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। नासा का ये मून मिशन पूरी तरह सफल हुआ। अपोलो 11, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये 11वां अपोलो मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। इस मिशन को लाइव टेलीकास्ट किया गया था और करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखा। परंतु क्या हो अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने असल में नकली मून लैंडिंग की थी? क्या सच में अपोलो 11 महज एक झूठी कहानी थी जिसे नासा और यूएस गवर्नमेंट ने मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ा था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करने से पहले आइए पहले जानते हैं अपोलो 11 के ऑफिशियल जानकारी को। अपोलो 11 नासा के अपोलो प्रोग्राम का 11वां स्पेस मिशन था और 5वां मैन्ड मिशन था। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनार मॉड्यूल चांद के सतह पर सी ऑफ ट्रिंक्वेलिटी नाम के जगह पर लैंड हुआ था। अपोलो स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ था। पहला कमांड मॉड्यूल, जहां एक कैबिन था तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और पानी स्टोर्ड थी और यही स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल भी कर रहा था। और तीसरा लूनार मॉड्यूल, जो चांद के सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था। 20 जुलाई 1969 को शाम के 8:17 में चांद की सतह पर लैंड करने के बाद एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को सुबह 2:56 बाद अपना पहला कदम चांद पर रखा, और नील आर्मस्ट्रांग के उतरने के 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर करीब 21 घंटे और 30 मिनट का समय बिताया था, और फिर 24 जुलाई 1969 को वे तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आए थे। इसके बाद और 6 अपोलो मिशन किए गए थे, अपोलो 12, 13, 14, 15, 16 और 17, लेकिन अपोलो 13 चांद तक नहीं पहुंच पाया था। बाकी के सारे मिशन सक्सेसफुल थे, परंतु इसके बाद दौर आया इन मिशन को झुठलाने का, इन पर प्रश्न उठाने का। कुछ लोग नए नए सबूत पेश करने लगे अपोलो 11 मिशन को फेक साबित करने के लिए, खासकर रशियंस। एक रशियन थियोरिस्ट एक्टिविस्ट यूरी म्यूकिन ने तो अपना सारा जीवन बिता दिया अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम को फेक साबित करने में। परंतु क्या वाकई में नासा ने कभी चांद पर इंसानों को नहीं भेजा था? क्या ऐसा हो सकता है कि चांद के जिन क्लिप्स को हमें दिखाया गया था वो असल में धरती में ही रिकॉर्ड किया गया था? आपको क्या लगता है? इस वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके ख्याल से मून मिशंस फेक थे या रियल। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमें कहती है कि अपोलो 11 के दौरान चांद में जिस अमेरिकन फ्लैग को फहराया गया था उसका फहराना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि चांद में तो वायुमंडल ही नहीं है, तो आखिर झंडा कैसे लहरा सकता था? ये एक पल के लिए जरूर सोचने पर मजबूर करती है। परंतु इसके पीछे का राज ये था कि झंडे के कपड़े में ऊपर की ओर एक मोटा तार बांधा गया था जिसकी वजह से झंडा लहराता हुआ दिख रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसा झंडा खास तौर पर बनाया था क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि चांद पर वायुमंडल की कमी के कारण झंडे को लहराता हुआ नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही झंडे का कपड़ा हिल भी रहा था। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं थी जो कि झंडे को गाड़ते वक्त उस तार में होने वाले रेजोनेंस को रोक सके, इस वजह से हमें यह लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कहा गया है कि अपोलो 11 तथा दूसरे अपोलो प्रोग्राम्स के दौरान लिए गए तस्वीरों में आसमान बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है और आसमान में कोई भी सितारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ब्लैक बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, परंतु नासा के पास इसका भी जवाब है। नासा के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद के जिस जगह पर अपोलो 11 को लैंड कराया गया था वहां दिन का समय था, यानी आसमान में सूरज चमक रहा था और चांद का सतह सूरज की किरणों को अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से कैमरे के द्वारा चांद के आसमान में तारों को देखना थोड़ा कठिन था। ऐसे और भी कई कॉन्स्पिरेसीज हैं जो नासा के मून मिशन को झुठलाती है, और नासा के पास इनमें से हर एक का जवाब है। इनमें से एक और काफी प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि चांद के सूखे सतह पर जूतों के निशान कैसे बन सकते थे, क्योंकि धरती पर इतने गहरे निशान गीली मिट्टी में ही बनती है। तो नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद की मिट्टी हमारी धरती की मिट्टी के समान नहीं है,
ये काफी पतली और महीन मिट्टी है, ज्वालामुखी में निकले राख के समान। इस वजह से इसमें इतने साफ साफ और इतने गहरे जूतों के निशान बन गए थे। परंतु क्या आप जानते हैं, नासा चाहकर भी फेक मून मिशंस नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1957 से, जब सोवियत यूनियन ने इतिहास में पहली बार अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुटनिक 1 को स्पेस में लॉन्च करके स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी। इसके कुछ समय बाद ही साल 1961 में सोवियत यूनियन ने दोबारा ऐतिहासिक कारनामा कर दिया, पहले मनुष्य यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजकर। अब अमेरिका को भी कुछ बड़ा करना था जिससे वो सोवियत यूनियन से आगे बढ़ सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर भी छिड़ी हुई थी, तो इस वक्त पर फेक मून मिशंस करके अमेरिका अपनी गरिमा को गिरा नहीं सकता था, तो इस वजह से अमेरिका फेक मून मिशंस नहीं कर सकता था। इसके साथ ही अपोलो प्रोग्राम को करके यूएस गवर्नमेंट ने विश्व में एक अच्छा नाम बना लिया, और इसके कई पुख्ता सबूत भी है जो अपोलो मिशंस को रियल साबित करती है। प्रत्येक अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने यादगार के तौर पर कुछ चीजें चांद के सतह पर छोड़ आए थे, जैसे अपोलो 11 के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपने कुछ सामान चांद के सतह पर छोड़ दिया था। इसके साथ ही उन्होंने वहां रेट्रो रिफ्लेक्टर्स को भी छोड़ा था, जिसके जरिए हम यहां धरती से लेजर्स की मदद से चांद के एक्यूरेट डिस्टेंस को मापने में सक्षम हुए। इसके साथ ही अपोलो लूनार सरफेस एक्सपेरिमेंट पैकेजेस को भी वहां रखा गया था। प्रत्येक अपोलो मिशन में चांद के सतह पर यूएस फ्लैग को भी वहां गाड़ा गया था, जो आज भी वही है। नासा के अनुसार अपोलो मिशन के दौरान इंसानों ने चांद पर करीब 1,87,400 किलोग्राम के मटेरियल को छोड़ा है और अपने साथ करीब 380 किलोग्राम मून रॉक वापस धरती पर लाए हैं। इसके बाद साल 2009 में नासा ने अपने एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लूनार रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर यानी LRO को चांद पर भेजा, मुख्य रूप से चांद की डिटेल्ड मैपिंग के लिए। इसके द्वारा सारे अपोलो लैंडिंग साइट्स को साफ साफ कैप्चर किया गया था, जहां आज भी लैंडर मॉड्यूल्स और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा छोड़े गए अन्य सामान मौजूद थे। 2012 में इसकी तस्वीरें जारी की गई, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता था कि 6 में से 5 लैंडिंग साइट्स पर अमेरिकन फ्लैग आज भी खड़ी है। केवल अपोलो 11 के दौरान लगाया गया झंडा नहीं है, जो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के वापस आते वक्त टेक ऑफ के दौरान रॉकेट के एग्जॉस्ट के कारण जल गया होगा। इसके साथ ही इंडिया के चंद्रयान 1 ने भी इन जगहों को कंफर्म किया है, और तो और जापान के सेलेना लूनार प्रोब ने भी कई ऐसी तस्वीरें ली हैं जो मून लैंडिंग को साबित करता है, और चाइना के चैंगी 2 लूनार प्रोब ने भी अपोलो लैंडिंग साइट्स को कंफर्म किया है। तो अब आप बिल्कुल देख सकते हो कि नासा के अपोलो मिशंस फेक नहीं थे। हाँ, बेशक हम उन लैंडिंग साइट्स को धरती से किसी टेलीस्कोप के मदद से नहीं देख सकते हैं, और ना ही हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा उसे देखा जा सकता है, क्योंकि चांद की सतह की चमक हमें ऐसा करने नहीं देती है। परंतु इससे ये साबित नहीं होता है कि अपोलो मिशंस बस एक झूठी कहानी थी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आप अब भी मानते हैं कि नासा के मून मिशंस फेक थी? नीचे कमेंट में बताइए।